जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज मैं आपको टूटी टाइल्स से एक टेबल बनाना बताऊंगी जिस पे हम आराम से 5-7 गमले रख सकते हैं। जितना बड़ा आपके पास कार्डबोर्ड उतना बड़ा बना सकते हैं। ये मेरे पास एक टाइल्स का कार्डबोर्ड पड़ा था, उसका मैंने इस तरह से उपयोग किया है। देखिए आप, मैंने इस तरह से इसमें इसे रखा है और ये टाइल्स के टुकड़े हैं मेरे पास। मैं इसमें ये टुकड़े इस तरह से बिछाती जाऊंगी। कॉर्नर पे आप हो सके जितने अच्छे से किन्नौर वाला टुकड़ा लगाएं। इस तरह से मैंने सारे टुकड़े बिछा दिए हैं। उल्टी टाइल रखनी है, जो अच्छा पार्ट है उसे नीचे रखना है। अब मैंने ये सीमेंट को घोला है और इस टाइल्स पर डालूंगी। इस तरह से आप पूरी टाइल्स को ढक दें, इसी तरह सीमेंट डालकर थोड़ा अच्छा सा घोल बना लें और इस तरह से डालते जाएं और पूरी टाइल्स को अच्छे से ढक दें। जितना मोटा आपको चाहिए उतना आप इस पर सीमेंट डाल सकते हैं। ये कितनी बॉर्डर दिख रही है, ज़्यादा बड़ी हो तो आप कम भी सीमेंट डाल सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे डालते जाएं। देखिए आप, अच्छे से कोनों में सब जगह जाना चाहिए कि ये टाइल्स सीमेंट को अच्छा सा पकड़ ले। देखिए मैंने इनके स्टैंड बना रही हूँ, इसलिए मैंने पैर बनाने के लिए ये बॉटल्स का उपयोग किया है। आप कोई सी भी बॉटल लगा सकते हैं, एक जैसा साइज होना चाहिए। देखिए इस तरह से गाड़ दें और फिर और सीमेंट लगा दें पूरे पर। सीमेंट गीली होने से यह टिक भी जाएगा और अच्छे से ऊपर आप सीमेंट लगा सकते हैं। और इस तरह से चारों तरफ लगानी है। मैंने इसमें 6 बॉटल्स लगाई है और इस तरह से बनकर ये तैयार हो गया है। अब मैं इसे 3-4 दिन तक इस पर पानी से तराई करूंगी ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। देखिए इस तरह से मैंने इस पर बार बार थोड़ी थोड़ी देर में पानी डाला है और ये मजबूत हो गया। अब मैंने इसे उल्टा किया है, इसके पैर नीचे हैं और ये टेबल उल्टा किया इस तरह से दिख रहा है। अब ये मैं गत्ता हटा दूंगी। गत्ता हटाने के बाद ये इस तरह से दिख रहा है अंदर से और ये टेबल इस तरह से बनेगी। अब जो सीमेंट टाइल्स के ऊपर आ रही है और ऊपर नीचे होगी उसे हम, ये एक रेत माल आता है इससे हम घिस देंगे इस तरह से अच्छे से पूरे को। सारी टाइल्स बाहर आ जाएगी और जो ये सीमेंट का पानी इसके ऊपर जमा है वो हट जाएगा और ये बहुत ही सुंदर लगेगी। देखिए धोने के बाद ये इतनी साफ़ हो गई है और इतनी सुंदर लग रही है। अब मैं इस पर आपको गमले रखकर दिखा रही हूँ। जो मेरे पास पॉट हैं, छोटे जो बोतल से बनाए हुए हैं और छोटे पॉट हैं, उन सभी को मैं आपको रख कर दिखाऊँगी। ये देखिए आप, इस तरह से 5-7 गमले अच्छे से रख सकते हैं। इन्हें आप पास पास भी रख सकते हैं, मैं आपको दूर दूर रख कर ऐसे ही दिखा रही हूँ। देखिए आप, 5 और 6 गमले तो मैंने इस पर रख दिए हैं और आप रख सकते हैं। ये देखिए छठा गमला कितना सुंदर लग रहा है स्टैंड। आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं, कमरे में भी आप कोई पॉट रख सकते हैं इसके ऊपर। इसे छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं और ये दिखने में इतनी सुंदर है और बहुत ही मजबूत है। आप भी घर पर बनाएं। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।